जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के ग्राम मुमसीरपुर में बीते कुछ दिनों स्कूल जाते समय गांव के ही एक युवक ने कुछ दिन पूर्व एक किशोरी के साथ सरे बाजार रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। किशोरी के पिता ने युवक के विरुद्ध छेड़छाड़ करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी गोली मारकर आज हत्या कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने किशोरी के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। क्या नाम भैया आपका? पंकज। पंकज, क्या हुआ था, मतलब कैसे इसकी मौत हुई है? गोली से हुई है। है? गोली से। किसने मार दिया? ब्रह्मेश ने। पूरा मामला कैसे क्या था? ये 9 तारीख को ये छेड़खानी का मतलब मुकदमा किया था इसके साथ। है। फिर? फिर ये तब से आया ही नहीं। अच्छा, किसने लिखवाया था मुकदमा? मुकदमा प्रवेश ने। क्या लिखवाया था? मेरी बेटी की छेड़छाड़ की। किस जगह? बाजार में करे। फिर तब से ये क्या कहीं चले गए थे, क्या गायब हो गए थे? नहीं नहीं, 9 तारीख की बात थी ना, 9 तारीख को ये बाजार गया होगा या कुछ नहीं गया हो, इसकी जानकारी नहीं। छेड़खानी लगी 9 तारीख को मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया। आपको? जी, और मेरे अंकल को। है। ठीक सर। उसके बाद ये मुझे आज की तारीख में 11 तारीख को मुझे ये मिला सब। तो क्या लगता है किसने मार दिया उसको? प्रवेश ने। अच्छा, ये करते क्या? लड़की के पिताजी ने। जी। अच्छा, ये लड़का करता क्या था? ये पंजाब सर, क्या नाम, हलवाई की दुकान पे रहता। ये पूरा मामला थाना करहल जनपद मैनपुरी का है। यहाँ करीब 1:30 बजे आज सूचना मिली थी कि एक करीब 20 साल के युवक का मृत शरीर एक खेत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे पुलिस पहुंची थी। उस युवक की पहचान शैलेंद्र उर्फ भूरा यादव के नाम से हुई और यह भी ज्ञात हुआ कि यह युवक एक छेड़खानी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त है और पुलिस को इसकी तलाश भी थी। देखा गया कि इसके सिर पे चोट लगी थी और सिर से खून बह रहा था। मृत अवस्था में यह मिला है। पुलिस वहाँ पहुँची, मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा तहरीर मिली है जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसमें ये बताना चाहेंगे कि एक पोक्सो की धाराओं में इस पर मुकदमा दर्ज था और अभी 9 दिसंबर को ही एक युवती से छेड़खानी के मुकदमे में इस पर मामला दर्ज हुआ था और ये वांछित चल रहा था। आज इसका मृत शरीर मिला है और जैसा कि मैंने बताया, विधिक कार्यवाही की जा रही है, अन्य कोई समस्या नहीं है। दादा कौन थी? अच्छा, जिसकी मौत हुई वो तुम्हारा कौन लगता था? भतीजा था। अच्छा, कहाँ बॉडी मिली उनकी? ये खेतों में मिली है, 5 किलोमीटर हो तो गांव से। अच्छा, क्या झाड़ियों में पड़ी हुई थी? नहीं, बमूर है तो बमूर के सहारे ही थी। अच्छा, तो बमूरे के परवाही डरी थी पछाइना बमूरे मेड़ा के सहारे। अच्छा, आप लोगों को जानकारी कब मिली? सवेरे, जब जब हमारे भतीजे और भाई को छोड़ो तब इन्हें ढुनाई करी तब मिली। अच्छा, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी? इन्हें भाई रात में। अच्छा, किस क्या आरोप लगाया था, मतलब जो ना आप जो जिसने जिसकी मौत हुई है क्या आरोप था उसके ऊपर? लगाई भी नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है हत्या किसने कर दी? प्रवेश ने करी। क्या गोली से मारा? गोली लगी है।